हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा से चला तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की शुरू में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 क्लास हिस्ट्री का चौथा चैप्टर जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। उसी का जो है हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले भी हम लोग दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज आप लोग जाइए चैनल का प्ले लिस्ट पे या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में स्तूप के बारे में पढ़ा कंप्लीटली। उसके बाद जो आपका दूसरा वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ा कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म कैसे कैसे इतने बड़े मतलब फैला, उसके अंदर क्या क्या शिक्षा था। फिर हम लोगों ने जो है गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा। फिर आज की शुरू में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज जो है आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो कॉपी कलम निकाल करके बैठेंगे, जो जो पॉइंट आपको बोलेंगे इंपॉर्टेंट है और नोट करने के लिए बोलेंगे प्लीज इसको नोट कीजिएगा। तो इतिहास का ये आपका चौथा चैप्टर है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए जब तक आप इंपॉर्टेंट देखेंगे नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। और जो जो बातें हम बोलेंगे प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा तभी आपको मजा आएगा। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट से हम लोगों ने देखा। बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत किए थे, तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजों को जाना। जैसे उसका पूरा नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, उसका मृत्यु हुआ था कब, 463 ईसा पूर्व में, ठीक है। उनकी जो माता का नाम है यहाँ पर थोड़ा सा आपका गलत दिया हुआ, पिता का नाम सुदोधन बिल्कुल सही है लेकिन माता का नाम थोड़ा सा गलत है। हमने आपको कल के वीडियो में लास्ट में माता का भी नाम बताया था कि बचपन का नाम उसका सिद्धार्थ था और माता का नाम जो है मायावती देवी था। क्या नाम था, मायावती देवी। तो ध्यान रखिएगा पिताजी का नाम था सुदोधन और माता का नाम मायावती देवी था, ठीक है। उनका जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके पैदे होने के मात्र 7 दिन के बाद ही जो है उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के पैदे होने के 7 दिन के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी पॉइंट को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और एक चीज आप लोग को बताए थे हीनयान के बारे में और महायान के बारे में, ठीक है। तो महायान और हीनयान ये दोनों का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से है। उसी तरीके से सुत्त पीटक हो गया, पीटक हो गया, स्तूप हो गया, ये सभी का भी जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे, अगर आपको पूछेगा कि महायान का संबंध किससे है तो आपको बोलना बौद्ध धर्म से, अगर पूछेगा हीनयान का संबंध किससे है तो आपको बोलना बौद्ध धर्म से, अगर आपको पूछेगा स्तूप का संबंध किससे है तो आपको बोलना बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज ये आपका तीसरा वीडियो है, दो वीडियो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो उन दोनों को नहीं देखे आप लोग इसके बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है, जैसे आपका बौद्ध धर्म जो है वो भी प्राचीन धर्मों में से एक है, तो वैसे ही जो है आपका जैन धर्म भी जो है भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। और जैसे कि आप सबको पता है एक आपका जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, ये दोनों जो है हिंदू धर्म से निकला था, ठीक है। हिंदू धर्म में कुछ कुछ गलतियां थी उस वक्त में, जैसे कि सती प्रथा उस समय था, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा था, विधवा हो जाती थी या फिर उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार और दुर्व्यवहार किया जाता था, ठीक है। महिलाओं के साथ अक्सर जो छोटे छोटे जाति थे उनके साथ ब्राह्मणों के द्वारा, तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है तो कुछ कुछ गलतियां हुई जिसके कारण ये बौद्ध धर्म बना और जैन धर्म बना, ठीक है। तो ये जैन धर्म कब आया था, तो ये भी जो है आपका 600 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। जैन धर्म जो है वो भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म की शिक्षाएं 6वीं सदी ईसा पूर्व से पहले ही भारत में प्रचलन में थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा जैन धर्म का जो भी शिक्षाएं हैं वो 6वीं सदी ईसा पूर्व से भी पहले भारत में प्रचलन थी। अगला पॉइंट देखिए, जैन धर्म जो है श्रमण परंपरा से निकला है तथा इसके प्रथम तीर्थकर भगवान श्रीभुवेद, जिसको हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते हैं, और अंतिम तीर्थकर कौन है, भगवान महावीर स्वामी। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताया कि जैन धर्म के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है। तीर्थकर का मतलब होता है शिक्षक, यानी कि जो धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो उन्हीं को जो है तीर्थकर बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगर आम भाषा में बोलेंगे तो उसको शिक्षक या फिर टीचर बोलेंगे, वहीं पर उनको जैन धर्म में तीर्थकर बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है, तो आपको आंसर लगाना है ऋषभदेव या फिर आदिनाथ आपको नाम लिखना, ठीक है। वहीं पे अंतिम तीर्थकर तो आप सबको पता ही है कौन है, महावीर स्वामी। एक प्रश्न आपको और भी पूछा जाता है 24वें नंबर पर, ध्यान रखिएगा जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, यानी कि 23 तीर्थकर आ चुके थे, और जो महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर का मतलब मैंने आपको बताया शिक्षक, और महावीर जो है वो 24वें नंबर पर आए थे। इससे पहले भी 23 शिक्षक आ चुका था जो कि जैन धर्म के बारे में बता रहा था,
लेकिन फाइनली और फाइनली कौन आया, महावीर आया, और जो कि जैन धर्म के बारे में बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी जाएगा कि महावीर से पहले कितने तीर्थकर आए थे, तो टोटल महावीर से पहले 23 तीर्थकर आए थे और महावीर जो है वो 24वें नंबर पर तीर्थकर था। और पहला तीर्थकर का नाम बता दिया मैंने ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थकर का नाम आप लोग जानते हैं महावीर। और ये जो जैन धर्म है उनको, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते, उनको स्थापना किसने किया, तो वो भी महावीर ने किया, ध्यान रखिएगा, भगवान महावीर ने। चलिए अब आगे देखते हैं तीर्थकर का मतलब क्या होता है। तो तीर्थकर का मतलब वह महापुरुष होते हैं जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं तीर्थकर वह महापुरुष होता है जो आपको अच्छी बातें और पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। खास करके जैन धर्म में उन्हीं को जो है तीर्थकर बोला जाता है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैन पंथ के एक श्वेतांबर और दिगंबर, प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा कि इनमें से श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, तो आपको राइट आंसर लगाना है जैन धर्म से, या फिर आपको बोल देगा निम्न में से कौन जैन धर्म से संबंधित है, तो आपको वहां पर राइट आंसर लगाना है श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं आपको बताया हीनयान महायान, तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, वैसे ही आपका श्वेतांबर और दिगंबर जो है इनका संबंध आपका जैन धर्म से। ये जैन धर्म का दो संप्रदाय है, ठीक है। जैनों के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है, या तो जिनालय कहा जाता है या फिर मंदिर कहा जाता है। तो ये दोनों चीज देखिएगा, जैनों का जो यानी कि जैन जहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर पूजा जाके करते हैं, उनको या तो जिनालय भी कहा जाता है या फिर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई जैन धर्म के बारे में, दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव, जिसको हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते हैं, और अंतिम तीर्थकर थे महावीर। महावीर 24वें नंबर पर तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर कौन था, महावीर था, और इससे पहले टोटल 23 तीर्थकर आ चुके थे। और श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किससे था, जैन धर्म से था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं महावीर के संदेश के बारे में, काफी इंपोर्टेंट है, प्लीज आप लोग चैटिंग मत कीजिए, मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको 100% है, कुछ ना कुछ जरूर यहीं पे याद हो जाएगा, और एक बार जब आप नोट कर लेंगे तो फिर 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चैटिंग आप लोग प्लीज ना करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने। चलिए महावीर जो है क्या क्या संदेश देते हैं उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी कि जीवित है, यानी कि जैन धर्म के अनुसार दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, जीवित है। और माना जाता है कि पत्थर, जल, चट्टान इत्यादि में भी जीवन है, ऐसा माना जाता है कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, हर चीजों में जो है जीवन होता है। ये कौन कहता है, ये जैन धर्म में कहता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, तथा कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या आवश्यक है। यानी कि जैन धर्म के अनुसार आपको कहा जा रहा है कि अगर जैन धर्म के माने तो जो आपका कर्म, जो आपका जन्म है या फिर पुनर्जन्म है, यानी कि दोबारा जन्म होगा नहीं होगा, वो जो है वो आपका कर्म पर, यदि कि हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करें, ठीक है, जैन धर्म में जो है ये चीज लिखा हुआ, तो हम लोग जैन धर्म के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो वहां पर इसका कहना है कि जो आपका जो जन्म है या फिर पुनर्जन्म जो है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है आपके कर्म के द्वारा, आपने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं या फिर कितने खराब काम किए हैं, ठीक है, ये चीजों पर जो है आपका निर्भर करता है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। जैन साधु हो गया या फिर साध्वी हो गया, ये जो है टोटल 5 व्रत करते थे। सबसे पहला, चोरी नहीं करना, पहला पॉइंट क्या था उसका, चोरी नहीं करना। वैसे तो सभी धर्म में ये कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म में जो सबसे पहला पॉइंट आपका है वो है चोरी नहीं करना, दूसरा है झूठ ना बोलना, तीसरा है हत्या ना करना, चौथा है ब्रह्मचार्य ना करना, यानी कि विवाह और यौन संबंधों से दूर रहने की अव्यवस्था, ठीक है। ब्रह्मचार्य ना करना का मतलब क्या हो गया, विवाह और यौन संबंधों से दूर रहने की अवस्था। और लास्ट पॉइंट आपका, धन संग्रह करना, यानी कि धन यानी कि दौलत जमा करना। तो ये आपका जैन धर्म में दिया हुआ है, टोटल 5 पॉइंट है, चोरी किसी का नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और धन यानी कि प्रॉपर्टी को जमा करना चाहिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा गया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो ये थे महावीर, भगवान महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी। उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किससे है, तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, यानी कि ये जो है जैन पंथ के
दो संप्रदाय है, जैन पंथ के श्वेतांबर दिगंबर जो है वो क्या है, दो संप्रदाय है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। अब अगला पॉइंट है आपका, जैनों के प्रार्थना स्थल को जिनालय या मंदिर कहा जाता है। तो जैन जहां पर जाके प्रार्थना पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, या तो जिनालय या फिर मंदिर। ये सभी पॉइंट को हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट, जैन धर्म का विस्तार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म का विस्तार के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म की तरह जैन विद्वानों ने भी संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सर्जन यानी कि ग्रहण किया, यानी कि एक प्रकार का एक जगह जमा किया। धीरे धीरे जैन धर्म भी भारत के कई भागों में फैलने लगा। ठीक है, तो जैसे बौद्ध धर्म था सेम टू सेम हूबहू, वैसे ही जैन विद्वानों ने भी जो है संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में जो है उन्होंने भी साहित्य का ग्रहण करना या फिर बोल सकते हैं कि साहित्य को लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे जैन धर्म जो है पूरे भारत में कई भागों में फैल गए। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, धार्मिक परंपराओं से जुड़ी प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थकरों को उपासकों यानी कि भक्तों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। तो धार्मिक परंपराओं से जुड़ी जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो जैन तीर्थकरों के उपासकों यानी कि भक्तों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। ये हो गया आपका जैन धर्म का विस्तार। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं लोक परंपरा के बारे में। ये भी छोटा सा आपका टॉपिक है। देखिए, लोक परंपरा में यह माना जाता है कि सुंदर स्त्रियां द्वारा वृक्ष को छुए जाने पर वृक्षों में फूल खिल उठते हैं, फूल खिल उठते थे तथा फल होने लगते थे। ठीक है, तो लोक परंपरा में यह माना जाता है कि अगर सुंदर स्त्रियां पेड़ को छू ले तो वो फूल जो है खिल उठता था और फल होने लगता था। ये किसके अनुसार है, लोक परंपरा के अनुसार। दूसरा पॉइंट है, जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों को जो है मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। और गजलक्ष्मी जो है वो क्या है, सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। ये हो गया आपका लोक परंपरा। ठीक है, चीज आपको समझ आ रही है। पहले जैन धर्म का विस्तार हुआ, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा, फिर जैन साधु और यानी कि ये जो पांच व्रत करते थे वो क्या क्या था वो भी हम लोगों ने देखा, फिर महावीर का संदेश हम लोगों ने देखा। अब देखिए अगला पॉइंट आपका, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है लोक परंपरा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय क्या है, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा तथा शैव परंपराएं शामिल है। हिंदू धर्म में जो है आपका एक वैष्णव परंपरा है और एक आपका शैव परंपरा है। ये दोनों जो है आपका कहाँ पर शामिल है, ये दोनों आपका हिंदू धर्म में शामिल है। ठीक है, वैष्णव परंपरा में विष्णु को तथा शैव परंपरा में शिव को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म में वैष्णव को भी और आपका शैव को भी, ये दोनों परंपराएं को जो है शामिल किया जाता है। वैष्णव परंपरा में विष्णु को तथा शैव परंपरा में शिव को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। वैष्णववाद में कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई। ठीक है, तो वैष्णववाद में कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के 10 अवतारों की कल्पना और यह माना जाता है कि पाप के कारण विश्व रक्षा हेतु भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। ये परंपरा के अनुसार, इस परंपरा के अंदर माना जाता है 10 अवतारों की कल्पना है और यह माना जाता है कि पाप के कारण विश्व रक्षा हेतु भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। महिलाएं और शूद्र जिन्हें साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, तो उन्हें जो है पढ़ने की अनुमति नहीं थी तो वो क्या सुन सकते थे, पुराणों को। पुराण का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का हदीस हम लोग बोल सकते हैं, पुराण बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें के बारे में लिखी हुई होती है। चलिए अब देखते हैं मंदिरों का निर्माण के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, इसको समझते हैं। देखिए, सांची का जो स्तूप था वो कहाँ पर था, अगर आपको पूछा जाए तो आप आंसर दीजिएगा अभी कमेंट सेक्शन में। एक सांची का स्तूप, एक अमरावती का स्तूप, ये दोनों स्तूप कहाँ कहाँ पर था हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, मंदिर को निर्माण में जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो है, सांची का स्तूप के साथ साथ मूर्ति के रख रखाव के लिए मंदिर भी बनाए जाने लगे। ठीक है, तो सांची का स्तूप के साथ साथ यानी कि इसका जब रख रखाव हुआ, मूर्ति के रख रखाव के लिए मंदिर भी बनाए जाने लगे। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में बनाया जाता था जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, तो शुरू में जो है मंदिर कैसा बनाया जाता था, चौकोर कमरे के रूप में बनाया जाता था जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। सभी मंदिरों में एक द्वार होता था जिससे लोग अंदर प्रवेश कर सकते थे। यहाँ पर आपका लोग है, ठीक है, तो सभी मंदिरों में एक एंट्री गेट होता था जिससे लोग जो है अंदर प्रवेश कर सकते थे। मंदिरों में मूर्तियों की पूजा की जाती थी, मंदिरों का दीवार पर चित्र उत्तीर्ण किए जाते थे, कृत्रिम गुफाएं भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो मंदिरों में मूर्तियों की पूजा की जाती थी, उसके बाद मंदिरों का दीवारों पर चित्र उत्तीर्ण किए जाते थे, कृत्रिम गुफाएं भी
बनाए जाते थे। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं जो है वो अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। लास्ट पॉइंट क्या था, जब अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है तो वो बोल बैठता है, हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया। ठीक है, ये हो गया आपका मंदिरों का निर्माण। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय हम लोगों ने वो भी देखा कैसे कैसे। ठीक है, यहाँ पर वैष्णववाद के बारे में हम लोगों ने समझा, वैष्णव परंपरा में विष्णु को तथा शैव परंपरा में किसको मानता है, शिव को मानता है। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में आपको पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होती है। ठीक है, ये आपका चौथा चैप्टर था हिस्ट्री का। अब जो अगला चैप्टर आपका आएगा वो है पांचवा चैप्टर, लेकिन उससे पहले आपका चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवाएंगे। तीसरा चैप्टर का भी बाकी है उसको भी कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आया तो। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा आपके जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है। ठीक है, तो शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि वो भी कम समय में अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।